This is 101st session of DTRS, Daily Tucker Rapid series and today's lead topic is Pink Dolphins of Amazon River. Right, it was in news, so we will cover the first topic but before that let's talk about quotation. Daily we are discussing one quotation from Main's perspective essay and ethics paper. So today's quotation, no country can ever truly flourish if it stifles the potential of its women and deprives itself of the contribution of half of its citizens that is true recently nobel prize in economics was given to the economist who actually contributed in terms of study study female labor force participation वट आर द फैक्टर्स एफेक्टिंग फीमेल लेबर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द इकोमी एंड हाउ इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्रीपर उन्होंने स्टडी किया हुआ है। उनको इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला हुआ है सो दिस कैन बी आस्ट इन मेन्स एग्जामिनेशन स्पेशली जीएसटी पार्ट इकोनॉमी और सोसाइटी ऑल्सो फ्रॉम सोसाइटी एंगल कैन बी इट कैन बी आस्ट नहीं पता है ओके ओके तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि तुमने नहीं पढ़ा है वो वाली चीज यस सो ये एवर होना चाहिए ठीक है नो कंट्री कैन एवर ट्रूली फ्लरिश इफ इट स्टिपल्स द पोटेंशियल ऑफ इट्स वेमन दैट इज ट्रू ऑफ कोर्स अराउंड इफ यू सी 50% ऑफ द सिटीजंस आर वेमन एंड द कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी सी द प्रेजेंट फीमेल लेबर फोर्स पार्ट तो उसमें से ट्वेंटी फोर ही एम्प्लॉयड है वर्किंग है पार्ट ऑफ फॉर्मल इकोनॉमी यू कैन से पार्ट ऑफ लेट से वॉट एवर दे वर्क दे आर डूइंग दे आर गेटिंग रिम्यूनरेशन जिसको हम बोलते हैं यस गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स So, this much small amount of labor force participation rate that we have of women, 50% of the citizens of the country, if let us say it increases to 100%, because women, if they start contributing to the economy, you can understand the kind of economic growth that country. So, women can do everything that any particular job is.

कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन जो मेल कर सकता है वो फीमेल भी होल्ड कर सकता है एंड वी आर है ऑर्गेनाइजेश तो इसका मतलब ऐसा है कि एट प्रेजेंट वॉट एवर द रीजन आर देर रीजन कैन बी फॉर लो पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी रीजन कैन बी सोशो कल्चरल रीजन्स कैन भी इकोनॉमिक रीजन कैन भी पॉलिटिकल रीजन्स कैन भी हिस्टोरिकल फैक्टर्स ठीक है तो सारे फैक्टर्स एक्चुअली मैटर करता है मेन इज सोशियो कल्चरल राइट सो वी नो दैट वॉट वी हैव इन इंडियन सोसाइटी इज प्रिजाइज एटीट्यूड और वी कैन से टिपिकल थिंकिंग टू वेट्स Women can do these things. Women cannot do these things. Women should not go outside for work. This mentality. So, because of that particular attitude, uh, let's say <clears throat> in India there is lower female labor force participation. You may, you may be surprised to know that there is higher female labor force participation in India in rural areas as compared to urban areas. ठीक है तो इसका मतलब ये ऐसा है क्या कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं रूरल एरिया में राधर दीज आर मोर एजुकेटेड बट देवन आर बिकमिंग कॉम्प्लेसेंट ठीक है मतलब एक लेवल पे जब हाउस होल्ड इनकम आना शुरू करता है और जो बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट अभी क्या काम करने की जरूरत है

वो घर का भी काम देखते हैं ठीक है सो वॉट नीड्स टू चेंज इज केस आपको यह पता होना चाहिए कि इंसेंटिवाइज पे गैप और ग्लास सीलिंग इफेक्ट बहुत सारे ऐसे इश्यूज है ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोजिशन दे आर डीमोटिवेटेड ठीक है डिस होते हैं ये उनका पे गैप मतलब सेम जैसे हम देखते हैं कि जैसे पहले क्या होता था मेल क्रिकेटर्स फीमेल क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स जो वुमेन उनका पे गैप बहुत ज्यादा था अभी BCCI ने डिसीजन लिया कि सेम होगा रिसेंट डिसीजन हुआ इतने साल से तो डिफरेंट था ठीक है बट इफ यू सी इन द प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा डिफरेंस है एंड द कंट्रीज लाइक फिनलैंड आपने देखा होगा रिसेंटली जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स एक इक्वालिटी इंडेक्स में इक्वालिटी इंडेक्स में फर्स्ट कंट्री है मोस्ट जेंडर फ्रेंडली या फिर हम पैरिटी है वहां पर द विमेन इन फिनलैंड रिसेंटली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द काइंड ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज देयर इन दैट कंट्री कैन यू इमेजिन मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री विमेन आर प्रोटेस्टिंग एंड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री

एंगल so, से वो जरूर आ सकता है आपको दीज आर लेट्स डिस्कस दीज क्विकली गिव आंसर क्या होना चाहिए आंसर पिंक डॉल्फिन्स वी डिस्कस्ड अबाउट डॉल्फिन बहुत बार एक दो बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है रिवर एंड डॉल्फिन डॉल्फिन फोर मेजर रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड एंड पिंक डॉल्फिन फाउंड इन अमेजॉन रिवर बेसिक क्या बोला जाता है लोकली इनको बोटो इंडिया में जो है गैंगेटिक डॉल्फिन आर कॉल्ड एज भूलन एंड चाइनीज डॉल्फिन चाइना में जंगसी रिवर में जो मिलते हैं वो बाइजी ठीक है बाइजी बोटो भूलन एंड सुसू

So this is true. Two statements are correct. B is the correct answer here. And all these species are having IUCN status endangered. Endangered. Okay. All right. What about the fertilizers? How many of the above fertilizers are covered under nutrient-based subsidy scheme started in 2010? प्रेजेंस ऑफ केजी ऑफ फर्टिलाइजर, उसके बेसिस पे पहले क्या होता था जितना वेट है वो फर्टिलाइजर का उसके हिसाब से वो देते जा रहे थे ठीक है अब समझो उसमें कम न्यूट्रिय दूसरे फर्टिलाइजर दूसरे कंपनी के फर्टिलाइजर में ज्यादा न्यूट्रिय है सेम वेट में तो कौन सा अच्छा है

तो डायमोनियम फॉस्फेट इज देर पोटैश इज देयर अमोनियम सल्फेट इज देयर पोटैश इज देयर चारों है इसमें डी न्यूट्रिय दोनों इंक्लूडेड है अलग अलग एक्चुअली फर्टिलाइजर्स है बट सेम है उसमें व्हाट अबाउट दिस वन सी कुर वाज दिस क्वेश्चन

यस देर आर हर बी ओअर मरीन एनिमल दैट इज ट्रू गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल वन नॉट टू शेड्यूल वन में है हाइस्ट प्रोटेक्शन है श्रीलंका इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर ट्रैफिकिंग फ्रॉम इंडिया ये इसीलिए न्यूज में था रिसेंटली दिस वन इज इन करेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर सी कुकुम्बर्स ये देखिए थ्री कन्वेंशन एन एन आउटकम ऑफ अर्थ समिट नाइन नाइन सीसीडीन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ओके सो यूएनसी इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स इफेक्ट दिस इज ट्रू लीगली बाइंडिंग है एंड ओनली लीगली बाइंडिंग

दिल्ली हुई है गांधीनगर में देखना होगा दिल्ली वाली है ना? दिल्ली में हुआ होगा शायद। एक बार चेक करना है ये। ये ठीक है, But ये रिसेंटली हुआ है हुआ इंडिया में ओके सो फ्रॉम दैट वी कैन गेट द आइडिया इंडिया इज मेंबर इट एम्स टू इम्प्रूव कंडीशन इकोसिस्टम एंड इज ट्रू सो वी कैन से अगेन बी इज द करेक्ट आंसर हा डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड राइट सो दिल्ली टू थाउजेंड नाइनटीन समिट फाइन सो बीज द करेक्ट आंसर वॉट अबाउट दिस वन ले वर्ल्ड लेमूर डे है आज ट्वेंटी सेवन अक्टोबर सो वी आर आस्किंग कहाते हैं

आयुषन स्टेटस इज वलरेबल हाउ कैन दे बी वलनरेबल इतने नंबर में मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर के घर में तो बहुत सारे हैं देखा ही होगा ना आपने वीडियोज में ठीक है तो लीस्ट कंसर्न लिस्ट कंसर्न ओके सो मेल इज मोर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ दोज वी कैन सी फीदर्स कलरफुलीदर्स ठीक है जनरली बर्ड्स में आपको यह पता होना चाहिए मेल इज मोर ब्यूटिफुल देन फीमेल ठीक <laughs> है नॉट केस ह्यूमन के ओके दिस इज करेक्ट दिस इज केस करेक्ट एंड दिस वन इज इनकरेक्ट करेक्ट तो बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है दिस वन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में लॉन्च की थी अम्ब्रेला स्कीम फॉर पर इरिगेशन पर्पज इट हैज फोर कॉम्पोनेंट्स

सेंट्रल सेक्टर नहीं है स्टेट सब्जेक्ट है वो ठीक है स्पॉन्सर करता है वो खुद कुछ इंप्लीमेंट नहीं करता ठीक है सेंटर जो है इसमें इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ठीक है जल शक्ति करता है नॉट एग्रीकल्चर सो दिस इज इनकरेक्ट एआईबीपीस कंपोनेंट दिस इज ट्रू बट ये माइनर इरिगेशन लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया ये इनकरेक्ट हो गया तीनों इनकरेक्ट है नन ऑफ एक तो है एक तो एआईबीपी ये है तीसरा है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन इज लेट्स से रीज्यूनेशन ऑफ एंशियंट ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज वाटर स्ट्रक्चर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर होते हैं ना बाउडीज जो ये होता है हाँ, पर नहीं नहीं वो वाला नहीं पर ड्रॉप मोर क्रॉप तो इसी का पार्ट है हम बोल सकते हैं क्या है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट ठीक है ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट में ही वो जो है प, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाला पार्ट है इफिशियंसी की बात करते है, हैं माइक्रो इरीगेशन तो ये इसका पार्ट है ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या जो uh, uh, हम क्या बोलते हैं उसको राजस्थान में जो बावलीज़ बोलते हैं या फिर वाउस जो बोलते हैं uh, हाँ सो बेसिकली रिज्यूनेटिंग डोज स्ट्रक्चर्स ये फोर्थ कंपोनेंट है उसका नेशनल वाटर मैनेजमेंट वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वाटरशेड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अर्लियर एरियर देव एक्चुअली हाँ तो जल शक्ति मर्च करके ही बनाई गई है ये इंप्लीमेंट करने के लिए वी टू चेक दिस ठीक है ये देखना होगा हमें हाँ मतलब तीन मिनिस्ट्री है क्या अबाउट दिस नैन्सी रोमन नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किसका है किसका है क्या नासा का है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्च इन 2026

इट नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन, ठीक है ये तो एक्चुअली हमारा जो साइबर सेल है साइबर कोऑर्डिनेशन नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, और जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो पुलिस का है लेट मी टेल यू दैट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बी एंड इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आई फोर सी ठीक है इनका इनिशिएटिव है वो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ of के अंदर आते हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो आई फोर सी एंड बीपीआरडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही पार्ट है हाँ उसी के अंडर आते हैं बीपीआरडी जो ये है ये इनकरेक्ट है यस इट इज है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स

This idea was mooted in 1994 or 1990s, and then Vohra Committee suggested that, on the recommendation of and then Vohra Committee, basically the first ethics committee was formed, and this was formed in Rajya Sabha first. At present, both Rajya Sabha and Lok Sabha have ethics committee. Okay, they can take up only cases of misconduct that involve MPs. This is true. कोई भी अटेंड कर रहा है समझो अटोर्नी जनरल अटेंड कर रहा है तो उनका मिसकंडक्ट तो उससे रिलेटेड नहीं है ये ठीक है ओनली द कंप्लेंट बिफोर एथिक्स नाउ दिस इज नॉट करेक्ट एनी वन कैन रेज द कंप्लेंट बिफोर एथिक्स कमिटी अगेंस्ट पार्लियामेंट ठीक है तो ये दूसरे मेंबर के थ्रू ये कमेटी के सामने कंप्लेन कर सकते हैं एथिक्स का देखना होगा हमें ये एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लेना एक बार इसका कंस्टिट्यूशन कैसे होता है कंपोजिशन कैसे होता है ठीक है बट दीज स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिस वन इज करेक्ट दिस वन इनकरेक्ट ठीक है सो ओनली वन इज करेक्ट हियर फाइन ऑल राइट लेट्स स्टॉप देन ये क्यों न्यूज में था पता ही होगा आपको चल ही रहा है ये moa moitra case fine okay then let us stop okay